आज मदर डे है। मेरी ओर से आप सभी को मदर डे की बहुत बहुत मुबारक हो। और आप समझ सकते हैं कि माँ आपके बारे में और आप जो महिलाएं हैं वो अपने आप में समझ सकती है। जितना मैं जान पाया हूँ वो यही है कि माँ ही समझती है कि मेरा बेटा क्या है, और कोई समझे ना समझे लेकिन माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, मेरा बच्चा जो है वो क्या है, ये सारा कुछ माँ जानती है। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे, चाहे वो कोर साथी है, चाहे वो राइजिंग कोर है, चाहे टेक्निकल रॉयल्टी अचीवर, कोई नए साथी है, हो सकता है बहुत सारे पहली बार जो है मुझे सुन रहे हो, तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि यूबीएस ने मुझे ये मौका दिया 8 PM JRCM के अंदर। अगर 8 PM JRCM में मुझे मौका मिला है तो मैं ये समझता हूं ये मेरा सौभाग्य है। और आज हम बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से हर रोज 8 PM JRCM बहुत सारे लोग सुनते हैं, कोई एक विषय पे हमारे सीनियर साथी बोलते हैं 8 PM JRCM में, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का तहे दिल से दोबारा धन्यवाद करता हूं कि यूएस में मुझे 8 PM में ये मौका दिया। और आज जिस टॉपिक को मैं आपके बीच लेके आया हूँ, रियल में उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, और उस बड़े रोल के अंदर आप आज जो है अपना डायरी और पेन हमेशा ही जो हमारे डेली के साथी हैं वो लेके आते हैं, और आज भी चाहूंगा कि उनके पास डायरी और पेन हो, और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बेस्ट से बेस्ट आपको दे पाऊं। अभी हमारा नए भारत के निर्माण का कार्य चल रहा है, सुबह गुरुकुल में हमें वैल्यूएबल शिक्षा मिलती है, नए भारत के निर्माण में हमारे उद्देश्य रहते हैं स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। बहुत अच्छे से जो सीनियर साथी हैं वो समझते हैं कि किस तरीके से हमने मिलके ये दिखा दिया कि अगर प्रोडक्ट पे दावा कर सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्यवर्धक है, तो आरसीएम से बेहतर आज कोई विकल्प नहीं है। अगर हम समझते हैं कि आज की डेट में स्वावलंबन, रोजगार और जो अपने पैरों पर खड़ा होना, ये सारी चीजें दे सकता है, तो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे साबित कर दिया है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, चाहे वो हमारी जो किरण बेदी जी रही हो, चाहे हमारे दूसरी पारी में स्मृति ईरानी जी, पीयूष गोयल जी रहे हों, तो सबने आके ये बता दिया कि हिंदुस्तान में अगर कोई बेस्ट तरीका है आगे बढ़ने का, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है, और उसमें अगर बेहतर कोई चीज है तो आरसीएम बिजनेस के पास। लेकिन हम कोई भी कार्य करें उसके लिए हमें गोल की जरूरत पड़ती है, और गोल की जरूरत में मैं इतना ही कहूंगा कि गोल सेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्टिव स्टेप्स टू अचीव योर डिजायर्ड आउटकम। लक्ष्य एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर विशेष परिणाम पाने के लिए एक स्पष्ट, व्यावहारिक और मापने योग्य योजना। लक्ष्य को हम अगर गोल सेटिंग की बात करें तो ये हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा रोल रहता है, गोल सेटिंग। और गोल सेटिंग के अंदर जीवन में प्रभावी लक्ष्य निर्धारित व्यक्तिगत विकास, व्यावसायिक विकास और संपूर्ण सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा इस बिजनेस में अहम रोल है गोल सेटिंग का, और इसी के बेस के ऊपर हम असफल होने की योजना नहीं बनाते। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं असफल योजना होने की योजना बनाऊं, बस फर्क इतना है कि हम योजना बनाने में असफल हो जाते हैं। अगर हमारी योजना सही बन जाए तो असफलता का कोई मतलब ही नहीं हो सकता, सफलता हमारे कदम चूमने को तैयार होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इस तरीके से काम करें कि गोल हमारा, जिसका गोल है उसी का जीवन में रोल है। गोल सबसे बड़ी चीज है, अगर कोई व्यक्ति गोल पे काम करता है तो रियल में वो बहुत बड़ा काम करता है। लक्ष्य निर्धारित करें, वाई सेट गोल्स, जीवन में अधिक सफलता हासिल करने के लिए, अनुशासित रहने के लिए। हमारे सामने अगर लक्ष्य होंगे तो हम बिल्कुल अनुशासित रह के काम कर सकते हैं, और हमारा लक्ष्य बनाने के बाद आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और लक्ष्य की बनने के कारण हम अनुशासित भी रह पाते हैं। इस तरीके से हमें लक्ष्य बनाना बहुत ही जरूरी है, इन तीनों पे काम करता है, जल्दी सफलता के लिए, अधिक सफलता के लिए, अनुशासित रहने के लिए, और बेहतर विकल्प है हमारे पास ये गोल सेटिंग जो है।
अपने लक्ष्य के बारे में हमें सोचना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए मुझे स्किल की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, किस स्किल की, उस स्किल को हमें सीखना चाहिए। आज हमारे पास स्किल के रूप में तेजस है, उसमें हमें अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यू आर द गुड, अगर नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर ले और उस स्किल को प्राप्त करें जो हमें इसके लिए चाहिए। मुझे किस जानकारी और ज्ञान की आवश्यकता है, आरसीएम बिजनेस में कौन सी स्किल चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट की नॉलेज है, चाहे हमारे 8 6 बेसिक है, 8 4 स्टेप है, 7 कार्डिनल रूल है, जो भी हमें चाहिए वो हमें सीखना पड़ेगा। और वो लक्ष्य के अंदर हो हमारे, मुझे किसकी सहायता या सहयोग की आवश्यकता है, अपलाइन की सहयोग की है, टूल्स की है, टेक्निक की है, 8 PM JRCM की है, सुबह गुरुकुल की है, इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। मुझे किन संसाधनों की, क्या क्या संसाधन मेरे पास हो, इन चीजों की मुझे जरूरत है, और मुझे किन परिस्थितियों में कौन सा काम करना है, किन परिस्थितियों के अंदर कौन सा काम करना है, ये सेट करता है लक्ष्य निर्धारित करना। और क्या मैं कोई धारणा बना रहा हूँ, आप जब गोल सेटिंग करें तो किस तरीके का आपने काम किया, कौन कौन सी चीज की आप उसकी स्किल की आवश्यकता है, किस जानकारी और ज्ञान की आवश्यकता है, वो आपके लक्ष्य के निर्धारित करने के अंदर आपका शामिल होना चाहिए। किसके सहयोग की है, अपलाइन की, डाउनलाइन की, टीम की, जिसके भी सहयोग की, और कौन कौन से संसाधन मेरे पास हैं उन संसाधनों की, और क्या मैं धारणा बना रहा हूँ, उन सभी चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और क्या काम करने का कोई बेहतर तरीका, जो मैं काम कर रहा हूँ इसके काम करने का बेहतर तरीका कौन सा हो, हमें हर रोज प्रयास करना चाहिए। मैं ये कहता हूं, अगर हम अपने अंदर हम 1% सुधार कर ले तो दुनिया में, मैं ये कहता हूं, इससे बड़ा कोई काम नहीं। हम दूसरे से अपना कंपैरिजन ना करें, हम अपने में 1% सुधार करके ये काम कर सकते हैं। और जो लक्ष्य बनाए वो स्मार्ट लक्ष्य होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मैयरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। मतलब आपके पास सबसे पहले तो स्पेसिफिक हो, एक फिक्स करें आप, उसके बाद मैयरेबल हो, माप सके, इतना उतना नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट, ये मुझे करना है, मुझे रॉयल्टी पे जाना है, ये लक्ष्य है, मैं किसी भी पिन पे चले जाऊंगा वो लक्ष्य नहीं है। अचीवेबल हो, अगर आप सोचते हैं कि मैं आज ज्वाइन किया और सुबह रॉयल्टी ले लूंगा, तो आप उस तरह से लक्ष्य बनाइए कि आप 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में कितने में आप, और रियलिस्टिक होने चाहिए जो आपको रियलिटी में लगे, और टाइम बाउंड होने चाहिए, आपका मंथ होना चाहिए कि सितंबर में मैं टेक्निकल पे हूंगा, जून जुलाई अगस्त में स्टार प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम और स्टार प्लेटिनम, और इसके आगे जो है आप लक्ष्य को निर्धारित, जो भी लक्ष्य निर्धारित करें बिल्कुल आप लक्ष्य निर्धारित करते समय इन बातों का ध्यान रखें। स्मार्ट का मतलब है कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट परिभाषित करें, अस्पष्ट लक्ष्य से बचे, बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य। दूसरा है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने और लक्ष्य प्राप्त करने में, निर्धारित करने के लिए मात्रात्मक मैट्रिक का उपयोग करें, जो मैयरेबल हो, जिसको माप सके, 5 10 गुणात्मक, मतलब जो भी आप माप सकते हैं उसको आप लक्ष्य कह सकते हैं। अचीवेबल हो, सुनिश्चित करें कि लक्ष्य यथार्थ और उसे पूरा करने का आपका नियंत्रण हो। आप जो लक्ष्य बनाए, आपने जो 1 दिन का लक्ष्य बनाए, 10 दिन का बनाए, महीने का बनाए, जो भी लक्ष्य बनाए उसको उस टाइम पे आप जरूर से जरूर अचीव कर ले। उसके साथ साथ रेलिवेंट हो, आप एक बिल्कुल उद्देश्यों से को संरेखित करते हो, आपका अभी जो उद्देश्य है उसको संरक्षित करते हो, जो आप करना चाह रहे हैं उसको, ये बिल्कुल आपके टाइम बाउंड हो, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा जरूर तय करें, इस काम को आप मंथ में या 20 सितंबर को या 31 दिसंबर को या 2024 या 2025, आप जितना भी आप टाइम बाउंड है, बिना टाइम देखे वो लक्ष्य नहीं कहला। लक्ष्य निर्धारण करने के आप 5 लेवल हैं, उसको आप तरीका करें कि किस तरीके से आप लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। पहला है वार्षिक, मतलब सालाना, 1 साल के अंदर, ईयरली 2024 में आप क्या करेंगे, कौन कौन सी पिन अचीव करेंगे, कितनी बड़ी टीम होगी, किस तरह से आप लक्ष्य 1 साल के अंदर क्या क्या चीज आप करने वाले हैं, वो सारे लक्ष्य वार्षिक लक्ष्य कहलाते हैं। त्रिमासिक लक्ष्य, 3 महीने में, मान लो आप जून से सितंबर तक या अप्रैल से मई और जून तक, 3 महीने के अंदर के लक्ष्य है। उसके साथ साथ मासिक लक्ष्य, 1 महीने में 1 तारीख से लेके मई की 31 तारीख तक के आपके कौन कौन से लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को मासिक लक्ष्य कहते हैं। उसके साथ साथ साप्ताहिक, 1 सप्ताह में जो है, 1 वीक के अंदर जो आपके लक्ष्य हैं वो साप्ताहिक लक्ष्य कहलाते हैं। उसके साथ साथ दैनिक लक्ष्य, पर डे कितनी आप प्लान देंगे, कितने लोगों से मिलेंगे, कितनी ज्वाइनिंग करेंगे, कितनी रिटेलिंग करेंगे, ये पूरा लक्ष्य आपका होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने के 5 लेवल, ईयरली गोल का मतलब है कि 12 महीने में आप कौन कौन से गोल, क्वार्टरली, अभी मैं बता के हटाऊं कि 3 महीने, 3 मंथली, जो जितने भी आपके 3 महीने के गोल हैं, 3 महीने कंटिन्यू मैं एक लेवल को, वाइटल लेवल को, बिगनर को, स्टार्टअप में, स्टार्टअप को, ईगल में इस तरह से चेंज करूंगा, या रॉयल्टी गोल्ड को स्टार गोल्ड में इस तरह से चेंज करूंगा, तो वो सारे आपके त्रैमासिक लक्ष्य जो है कहलाते हैं, मंथली गोल। इस मंथ में पिछले मंथ से 10% की ग्रोथ पूरे बिजनेस में करूंगा। वीकली जो है, जो वीकली आपका है कि इतनी प्लान दूंगा, ये वीकली गोल है, और डेली आप करेंगे, वीकली मीटिंग का करेंगे।
तो शॉर्ट टर्म, 3 मंथ और मिड टर्म के 1 से 3, और लॉन्ग टर्म 3 तरह के गोल आप निर्धारित करें। एक तो अभी बताया 3 से 6 महीने के, एक 1 से 2 साल के, और एक 3 से 5 साल के। आप जब भी लिस्ट बनाएं, 3 मंथ में आप सोच सकते हैं कि मुझे एक मोबाइल लेना है, या एक बाइक लेनी है, एक लैपटॉप लेना है। 1 से 2 साल में आप कार के मालिक बनना चाहते हैं, आप अपना घर बनाना चाहते हैं 2 साल के अंदर अंदर, या आप नेशनल ट्रिप पे जाना चाहते हैं। आप लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो आने वाले 3 से 5 साल में, या अगला टारगेट आप बना सकते हैं कि 1 करोड़ मेरी सालाना इनकम हो। विदेश यात्रा का बना सकते हैं। इनमें से कोई भी लक्ष्य आप बना सकते हैं जो आपका 3 से 6 महीने, 1 से 2 साल और 3 से 5 साल, आप अपने अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। और लक्ष्य जो है निर्धारित करके आप इनकी टाइम ब्लॉकिंग के साथ अपने दिन को जीत सकते हैं। टाइम का मतलब ये है कि सुबह 9 बजे से हम तो 6:30 बजे शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप अपने टाइम को, भाई 6:30 बजे मैं गुरुकुल में रहूंगा, तो उसके बाद 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जितना भी है शाम के सोने तक का, सुबह से लेके शाम के सोने तक आपका प्रत्येक घंटा, प्रत्येक, और आपका बिल्कुल टाइम बाउंड को इस तरह से बांटे कि मैं इस समय में ये काम करूंगा, इस समय में प्लान दिखाऊंगा, इस समय में बुक रीडिंग करूंगा, इस समय में होम मीटिंग लूंगा, ये सारे आप डिसाइड करें। और इस टाइम बाउंड को फिर आप जो कैलेंडर है हमारा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो मुझे मंडे को कौन सा वर्क करना है और ट्यूसडे को क्या चीज है, ये सारी चीजें आप अपने कैलेंडर के अंदर, जो वीकली है आपका, उसके अंदर पूरी तरह से मीटिंग, कितने मीटिंग कॉल करेंगे, कितनी रीडिंग करेंगे, क्या क्या एनालिसिस करेंगे, लंच किस समय करेंगे, ये सारे का सारा आपका बिल्कुल आपके कैलेंडर के अंदर शो होना चाहिए। जब तक आपके कैलेंडर आपके सामने नहीं होगा, तब तक बड़ी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। बिल्कुल कैलेंडर के, आपके पूरा कैलेंडर आपका वर्क से भरा होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है, आप जब भी आपके पास ये कैलेंडर होगा, और फिर उसके बाद 24 आवर्स, आपके 24 घंटे की जो प्लानिंग है, किस समय आप सुबह उठेंगे, किस समय आप सैर करेंगे, किस समय आप गुरुकुल का टाइम आपका निर्धारित हो, जूम मीटिंग का निर्धारित हो, होम मीटिंग का निर्धारित हो, ये सारे का सारा कैलेंडर, शाम के सोने तक का, दोपहर बाद की क्या प्लानिंग होगी, आपका चाय किस टाइम होगा, आप शाम तक का समय जो है पूरा निर्धारित करें, और उस निर्धारण के कारण आप जो है पूरा निर्धारित करके चलेंगे, तो बहुत बड़े गोल सेटिंग से रिजल्ट आ सकते हैं। गोल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि रिजल्ट हमारे स्पेसिफिक जो हम चाहते हैं, मंथली जो प्लानर है आपका, इसके अंदर जो हमारे और लीडर जो होता है, उसकी अपनी प्लानिंग से ये कैलेंडर मंथली भरा रहता है, और जो सामान्य आदमी होता है उसका ये कैलेंडर जो है डिमांड के ऊपर रहता है। तो आप लीडर हैं तो लीडर की तरह से आप पूरे का पूरा कैलेंडर जो है आपका भर के रखिए, ये व्यस्त होना चाहिए, आपका कैलेंडर जो है पूरा भरा रहना चाहिए। आप इन लक्ष्यों को प्राथमिकता के आधार पर लिख सकते हैं, अपनी प्रायोरिटी के आधार पर बिल्कुल लिख सकते हैं कि मुझे कौन सा काम सबसे पहले करना है। मान लो सुबह है, सुबह के समय के अंदर आप 6:30 बजे अगर आप प्लानिंग करेंगे, तो आपको कौन सा सीमित संख्या में उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्यों पर आप ध्यान केंद्रित करें। आपको कोई दूसरे काम है बिजनेस के अलग, तो वो उनकी प्राथमिकता बाद में करें। पहली प्राथमिकता ये है कि आप किस व्यक्ति को आज अपने प्लान देना है, किस व्यक्ति से बिजनेस पर्पज से मिलना है, कितने आपको कॉल करने हैं, किस समय करने हैं, उनके आप गुण उसके हिसाब से लिख लें, अपनी प्राथमिकता के हिसाब से। लक्ष्यों को तत्कालीन अर्जेंट कौन कौन से हैं, इस वर्ग में भी आप प्रायोरिटी के बेस पे इनको अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसको कल भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको आज ही करना और अभी करना तो सबसे बेहतर है। तो लक्ष्यों को जब भी आप करें, बहुत बेहतर तरीके से वर्गीकरण करें, और अगर वर्गीकरण कर सकते हैं तो फिर बड़े लक्ष्यों, छोटे छोटे पार्ट में हम ब्रेक डाउन द लार्जेस्ट गोल, हमें बहुत बड़े छोटे छोटे स्टेप लेके, मान लो डायमंड क्लब एक छोटा स्टेप है, अगर हम धीरे धीरे डायमंड करके रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे साथियों से डायमंड क्लब कराना है। कंसिस्टेंसी में छोटे छोटे स्टेप्स हैं कि 1500 PV हमारा कंसिस्टेंसी में रहता है, वो करके हम निर्धारित ज्वाइनिंग करके, मतलब किस तरीके से हमें छोटे छोटे लक्ष्य पार्ट करके, कोई भी कितनी बड़ी इमारत क्यों ना हो, वो एक एक ईंट लग के बड़ी इमारत बनती है। कोई भी व्यक्ति, आज मैं 60 साल का हूँ, तो एक एक दिन निकल के मैं 60 साल का हो गया। रियल वे मतलब आप छोटे छोटे स्टेप से करके बड़े जटिल लक्ष्यों के लिए, छोटे छोटे आप मैनेजेबल चरणों में जो भी आप कर सकते हैं, एक एक व्यक्ति को प्लान दे के, होम मीटिंग लेके, छोटी छोटी मीटिंगें करके, आज लाखों लोगों का नेटवर्क बन चुका है। आज ये प्रोग्रेस को जल्दी पूरा करने के लिए भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लक्ष्यों को लिख लीजिए, याद नहीं रहते, आपने सोचने से काम नहीं चलेगा, केवल आप लक्ष्यों को लिखे कि मुझे इस डेट को, जो अभी बताया था, मंथली में क्या करना, डेली में क्या करना, इस तरीके से आपने ये लक्ष्य को लिखना है, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और लिखित रूप में। स्पष्ट का मतलब ये है कि बिल्कुल आपको संख्याबद्ध तरीके से लिखना है, ये नहीं कि इतना कर लेंगे,
अच्छा कर लेंगे, ये सब नहीं है। बिल्कुल ऑब्जेक्ट कि इतना पीवी तो डेली का हो, 1,000 तो डिटेलिंग होगी ही होगी। यह आपके लक्ष्य को कम समय में पूरा करने में मदद आता है। अगर आप लिख लेते हैं तो इससे बेटर क्या होगा कि आप जो अपने लक्ष्यों को लिख लेते हैं तो लिखने के बाद आपका समय जो है वो कम लगेगा, और उस कम लगने के कारण, समय को कम लगने के कारण ये है कि आपके सामने होगा, आप उस लक्ष्य को याद कर पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे, सही समय पे आप जा पाएंगे। नहीं लिखा होगा तो उससे ये बेहतर है लिखना, तो आप उसको लिखे लक्ष्य को। जस्ट मिनट, लक्ष्य को लिखे आप, लिखने से हमारे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, और लक्ष्य हमारे सामने लिखा रहना चाहिए सुबह शाम। एक जो जो आपने नोट किया है, उस नोट किए हुए लक्ष्य को सुबह शाम एक बार देखें, जोर दे के सोचें कि मैं इसको पूरा करने के लिए और क्या क्या बेहतर कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। अपने लक्ष्य को साझा करें, किससे साझा करें, अपलाइन से साझा करें, अपने नियर एंड डियर से साझा करें। अगर आप लक्ष्य को साझा करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके जो साथी हैं, आपका जो मेंटोर है, उससे उस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करवाएगा। अगर आपने लक्ष्य लिया है कि मुझे एनिवर्सरी के अंदर इस दिन पे जाना है, तो आपको वो बताएंगे कि किस तरीके से आप और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा नॉलेज आपके मेंटोर को है। अगर आप इस तरीके से समर्थन और पूरी प्रतिक्रिया उनकी लेंगे, तो आप लक्ष्य पूरा करने में, जितने भी आपके सहकर्मी हैं, जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी आपके ग्रेट अपलाइन में हैं, वो आपकी मदद करेंगे, उनको पूरा करवाने में आपका उत्साह बढ़ाएंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे, और ये बोलेंगे यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं। और सही लक्ष्य बने, जो लक्ष्य का निर्धारण है वो पहले ही बताएगा कि राइट होना चाहिए, वो सही होगा तभी जाके काम चलेगा। सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य आपकी टीम और संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप, जो हमारा पूरी टीम है, उस टीम के अगर छोटे छोटे, अभी बताया था, छोटे छोटे लक्ष्य बनवा के आप अपना एक बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कई बार महिलाओं ने, हमारे जो है संध्या जी ने 1,000 महिलाओं का टारगेट ले रखा है, 100 महिलाओं का रोल्टी का ले रखा है, तो जब 100 महिलाएं रोल्टी पे होंगी तो उनकी टीम क्या होगी, ऑटोमेटिक वो बढ़ेगी। इसी उद्देश्य को हम बढ़ते क्रम में, और हमारा को समर्थन की संभावना रहती है, हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको, लक्ष्य को। नियमित रूप से समीक्षा करें, नियमित रूप का मतलब डेली रेगुलर मतलब हो जाए, और रिवाइज एंड एडजस्ट। अगर कोई रफ्तार कम है, अगर हमारी धीमी रफ्तार है, या हम लक्ष्य के लगता है कि हमारा लक्ष्य पूरा होने में हमें और जरूरत है, तो उसको हम शेयर करें, प्रगति पर नजर रखने और आवश्यक समायोजन करने से समय समय पर अपने लक्ष्यों को दोबारा गौर करें। बार बार हम देखें अपने लक्ष्यों को कि किस तरह से लक्ष्यों को बेहतर कर सकते हैं, वो जरूरी है कि हम बार बार देखने से हमें ये अनुभव होगा। और फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, हमें बदलाव की करने की हमें तैयारी में रहना चाहिए, हर परिस्थिति के अनुरूप खुद को ढालना चाहिए। अभी भी कुछ डिस्टरबेंस कई बार स्लाइड में आ रही है, तो इसमें हमें उसके अनुरूप ही हम, मैं चल रहा हूँ कई बार फोटो में, तो ये चीज हमारे जो है, इसके साथ साथ हम, ये बहुत ही पेरेंटो का नियम है, इस नियम पे एक ये सिद्धांत है, बिल्कुल सिद्धांत कभी भी बदलते नहीं। इसका मतलब ये है कि 20% एफर्ट से हमारे 80% रिजल्ट आते हैं, और 80% एफर्ट से 20%। तो हमें यहाँ पे ये निर्धारित करना है कि हम किन लोगों पे 20% एफर्ट्स करके 80% रिजल्ट ला सकते हैं। ऐसे कौन से काम हैं जिस तरीके से हम अपना 20% एफर्ट लगा के इस 80% रिजल्ट लेके आए, और किस तरीके से हम इसको अपने बहुत अधिक मेहनत करने से बच जाएंगे, बहुत ज्यादा मेहनत से हम बच सकते हैं। अगर हमें ये बताओ कि हमें मेहनत कहाँ पे करनी है, किन लोगों के साथ करनी है, किन प्रोडक्ट के साथ करनी है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपका 20% काम 80% रिजल्ट देते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके साथ काम करके आप 20% एफर्ट लगा के 80% रिजल्ट निकालते हैं। तो इन चीजों को अपने को बिल्कुल निर्धारित करके चलना चाहिए। व्यक्तिगत विकास के लक्ष्य निर्धारित करें, सेट पर्सनल डेवलपमेंट गोल, खुद की डेवलपमेंट जरूरी है। अगर आप बढ़ते हैं तो आपकी टीम बढ़ती है, और लीडर के उससे टीम का निर्धारण होता है, लीडर से टीम का निर्धारण रहता है। कौशल विकास और कैरियर में उन्नति के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। सफलता की कल्पना, विजुअलाइजेशन बहुत बड़ा पार्ट है। इस पे बीसी छाबड़ा जी कई बार बात करते हैं, कई बार इस पे बताते हैं कि आप जो भी चीज चाहते हैं उसे पा सकते हैं, बेशर्त है कि आपके अंतर्मन में वो चीज एक बार हासिल हो जाए। डिज्नीलैंड बनने से पहले एक बार पूछा था किसी ने कि आपको कैसा लग रहा है अगर आप जीवित होते, तो उसने तो पहले ही देख लिया था। मतलब हम एक माँ बच्चे की कल्पना करती है तो वो बच्चा उसको पहले ही दिखाई देता है रियल में। मतलब इस तरीके से हम पहले कल्पना करें अपने दिमाग में किसी चीज को लेकर आए, तब बाहर घटित होती है। जो हमारे अंदर घटित होता है वो बाहर जरूर घटित होता है। आपको लगता है कि मैं स्टार रूबी हूंगा इसमें, मैं स्टार रूबी हूंगी इसमें, मैं 15 अगस्त
16 अगस्त को 500 महिला लेके जा महिलाओं को लेके जा सकती हूँ भिलवाड़ा, तो होगा। मैं अपनी जूम मीटिंग में इतना बिठा सकती हूँ, आप कल्पना करेंगे कि आपकी टीम में इतने रॉयल्टी अचीवर होंगे, तो उसके बाद ये तय है कि वो 100% होगी। बेशक है कि आप विजुअलाइजेशन पे टाइम लगाइए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कल्पना करने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करें। ये तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अढ़िया जी इस पे बहुत अच्छे से बताते हैं, अगर आपने डॉक्टर अढ़िया को सुना है तो बहुत अच्छे से बताते हैं, और एक प्रेरणा और उत्साह बढ़ता है। अगर हम विजुअलाइजेशन करते हैं, हमारे अंदर एक प्रेरणा आती है और एक उत्साह बढ़ता है, तो ये विजुअलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल है। प्रगति को मापे और उसका मूल्यांकन करें, मेजरेबल। हम जितना भी काम कर रहे हैं उसको मापे। अगर आपका डायमंड क्लब का लक्ष्य है कि मेरी टीम में 100 डायमंड क्लब अचीवर होने चाहिए, डायमंड क्लब अचीवर, तो उसको बार बार जांचें कि आज 10 है या इस महीने 15 है, 20 है। धीरे धीरे करके आप लगातार मापते रहेंगे तो लगातार आपका उत्साह बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे डायमंड क्लब की संख्या 100 की तरफ जाएगी तो उसका विजुअलाइजेशन करें और आपकी 200 हो जाएगी। अगर आप 500 चाहते हैं तो 500 हो जाएगी, उसका विजुअलाइजेशन करें और उस प्रगति पे लगातार आप काम करें। इस बात पर विचार करें कि मैं और क्या कर सकता हूँ, कितना बेहतर कर सकता हूँ, और उस पर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली प्रोग्रेस और मूल्यांकन को मापने से आपके रिजल्ट बेहतर आएंगे। उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अगर आपके यहाँ पे कुछ ज्वाइनिंग, आपने 5 टारगेट लिया है, ज्वाइनिंग आपने कराई है, तो वो आप उत्साह से मनाएं। आपके डायमंड क्लब कोई करता है तो उसको आप अप्रिशिएट करें। आप जितना अप्रिशिएट टीम को करोगे, जितना आप आगे बढ़ाएंगे टीम को, तो उतना अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। और अचीवमेंट पे तो हमारी सेलिब्रेशन होना ही चाहिए, सेलिब्रेशन जिसको हम सेलिब्रेट कर सके। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले तो स्वयं को स्वीकार करें और पुरस्कृत करें। और सर एक बात कहते हैं कि अगर कोई और ना हो तो आप अपनी पीठ पे हाथ ले जाए और खुद को एक बार बोले शाबाश शाबाश शाबाश, 2-3 बार बोले। कोई अकेले में है तो अकेले में भी आप बोल सकते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम आपको लगे कि मैंने ये काम कर दिया, आज इतनी ज्वाइनिंग कराने का लक्ष्य था, आज मेरा इतने वीडियो देखने का लक्ष्य था, वो पूरा करते ही आप अपने आप को जरूर उत्साहित करें। सफलता का जश्न जो है मनाना बहुत जरूरी है, उससे मनोबल बढ़ता है, और ये मनोबल हमारा बढ़ते रहना चाहिए। ये उत्साह का बिजनेस है, और उत्साह एक ऐसा सैलाब है जो हर चीज को अपने साथ बहा के ले जा सकता है। आप सारी चीजों को, अगर जोश आपके अंदर है, उत्साह आपके अंदर है, और जश्न से ये बढ़ता है, तो जैसे उत्साह बढ़ेगा आपका जो है बिजनेस भी जरूर बढ़ेगा। जिम्मेदार बनिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत बड़ी बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी दी नहीं जा सकती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सकती है, ये खुद लेनी पड़ती है। आप जितना जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जितना जल्दी अपनी प्रगति को किसी विश्वसनीय सहकर्मी, गुरु या प्रशिक्षक के साथ साझा करें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और यहाँ तक कहते हैं कि जितना जल्दी आपने अपलाइन का सहारा लेना छोड़ दिया, उतना जल्दी आप इसमें कामयाब हो गए। तो जिम्मेदारी, चाहे वो प्लान दिखाने की जिम्मेदारी है, चाहे जूम में मीटिंग अटेंड करने की जिम्मेदारी है, चाहे आपको तेजस की ट्रेनिंग लेने की है, वो जिम्मेदारी लीजिए, और जिम्मेदारी लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बिना जिम्मेदारी के कोई आगे नहीं बढ़ा। जिम्मेदारी आपको बैंक आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। जिम्मेदारी जो है बहुत बड़ा काम है, और इसी जिम्मेदारी के साथ साथ प्रतिबद्ध रहे, कमिटेड रहे। कुछ भी चैलेंजेस आ जाएं, जब भी चैलेंजेस आएंगे तो आप ये समझिए बाधाओं या असफलताओं का सामना करने करते समय भी अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहिए। आपको लगता है, मैंने देखा है कि लास्ट डेट में भी लोग रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं। अगर कहीं पे भी उसको लगता है कि मैं लास्ट बॉल पे भी क्रिकेटर छक्का लगा के टीम को जिता देते हैं, तो हमेशा आप अड़िग रहिए। आप ये मत सोचिए कि जिस तरह से क्रिकेट लास्ट ओवर के अंदर एक रिकॉर्ड है कि 42 रन बकाया थे और 42 रन बनाए और वो जीत गए। अवसर का सफलता की कुंजी होता है, तो इस अवसर का लाभ उठाइए। आप किस अभियान में हैं, इस अभियान का, आप नए भारत के निर्माण के अभियान में इसका लाभ उठाइए। आप आगे बढ़िए, अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहिए, असफलताओं से सीखे, लर्न फ्रॉम द फेलियर। कोई भी आपको, अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मैं असफल हूं, उसमें क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, देखो और सुधार करो। हमेशा कभी भी आपको अगर लगता है, यदि आप कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते, तो विश्लेषण करें कि गलत हुआ, आपका अनुभव क्या रहा, इस अनुभव से आप सीखे। हम बार 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 जो भी गलतियां करते हैं, उन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं, और उस सीखने के कारण ही हम आगे बढ़ते हैं। जितना हम सीखते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, बिना सीखे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जीतने से ही जीतते हैं, जीतने से ही सीखते हैं। तो जैसे जैसे हम सीखेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। असफलता को विकास के अवसर के रूप में उपयोग करें। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि भाई ये, उसको आप ये समझे कि एक आपको अवसर मिला है, एक मौका मिला है, और असफलता कभी भी ठहर नहीं पाती। एक जिम्मेदार आदमी के सामने, एक सीखने वाले व्यक्ति के सामने प्रतिक्रिया मांगे, फीडबैक, क्या रिस्पॉन्स है, चाहे वो मीटिंग है, चाहे
आपका काम है, चाहे जो रिजल्ट है, कोई भी आपको है, किसी भी तरीके की कोई आपको है, उसकी फीडबैक बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य निर्धारित करने की प्रतिक्रिया मांगे, और ये बेहतर बनने के लिए जो है आप अपने मेंटोर से प्रतिक्रिया लें। उसके साथ साथ जो है कार्य जीवन संतुलन बनाए, चाहे वो फैमिली से संबंधित है, चाहे आपका सेहत से संबंधित है, पूरा संतुलन बना के परिवार के साथ, टीम के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, समाज के साथ, जहां जहां आपका रिलेशन है वहां हर जगह पे सुनिश्चित करें कि आपके जो तो लक्ष्य हैं उन मूल्यों के और भलाई के लिए। और आरसीएम केवल दूसरे की मदद के लिए बना, जितना आप मदद करेंगे, जितना लोगों को अचीवमेंट दिलवाएंगे, आपकी अचीवमेंट उतनी बढ़ती रहेगी, और तभी आपका संतुलन बनेगा। और इसके साथ साथ आप स्टे इन्फॉर्म, आप अपने मोबाइल से, आप अपने उससे हमेशा आप जानकारियां, अपने लक्ष्यों संबंधित उद्योग के ट्रेंड और सर्वोत्तम प्राथमिकताओं को अपडेट रहे तेजस के बारे में, अपडेट रहे आप सुबह के मॉर्निंग सेशन के बारे में, अपडेट रहे 8 PM JRCM के लिए, 1 PM JRCM, मतलब हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं, हर चीज के लिए आप डट रहे। समय प्रबंधन का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। कि मैं देख रहा था कि 7:50 पे, 8 बजे का सेशन था ये, और 7:50 पे बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे। अभी कुछ साथी जूम हमारे YouTube चैनल पे होंगे, तो आप अपने समय का मैनेजमेंट जो है सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 9 बजे से और रात के सोने तक, आपका प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट, आपका हर बेहतर तरीके से आपका मैनेजमेंट का हिस्सा होना चाहिए आपकी, कि किस तरीके से आप लक्ष्यों को आवंटित करते हैं समय को, और किसको कुशलतापूर्वक प्रबंधन, किसको प्रायोरिटी पे। बीच में टॉपिक आया था कि प्रायोरिटी बेस पे आप अपने काम को पूरा कीजिए। जब प्रायोरिटी आपकी है, उस काम को पहले पूरा कीजिए। लगातार सीखते रहिए, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस, CLP बोलते हैं इसको, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। एक व्यक्ति चाहे वो 23 साल पहले जुड़ा, चाहे 24 साल पहले जुड़ा, जब भी जुड़ा, मैं आपके सामने हूं कि मैं आज 24 है, 2001 में स्टार्ट किया, तो आपके सामने हूं मैं, और मुझे लगातार आज भी स्लाइड कभी आगे पीछे हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, और हमेशा सीखते रहना पड़ता है। मैं भी जब कोई मीटिंग अटेंड करता हूं तो डायरी और पेन लेके नोट्स बनाता हूं और लर्निंग करता हूं, और ये मस्त है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको व्यावसायिक विकास में निवेश करना पड़ेगा। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। इस बिजनेस में, चाहे वो आप ड्रेस के रूप में है, चाहे टूल्स के रूप में है, चाहे आप बुक्स के रूप में है, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट जरूर करें। एक विजन बोर्ड बनाएं, आपका जो विजन बोर्ड है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आपको वो चीजें दिखाई देगी जो जो आपके विजन में होंगी, और जब विजन बोर्ड आपके सामने होगा तो वो आपको कभी मायूस नहीं होने देगा। आपको दिखाई देगा कि अभी क्या क्या चीजें प्राप्त होने वाली हैं। इस तरीके से आप काम कीजिए, लक्ष्य निर्धारित करने समय फोटो और शब्दों के साथ एक विजन बोर्ड बनाए जो आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हो। आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं उस दिशा में आपको आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा प्रेरित करे। उस बोर्ड को आप, जैसे आप लक्ष्यों को सुबह शाम पढ़े, इस बोर्ड को जरूर आप देखें सुबह शाम, और उसको आप लिखे हुए शब्दों को फोटो के साथ बार बार देखेंगे, तो बार बार आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज जाएगी, और जो अनकॉन्शियस माइंड में घटित होता है फिर वो बाहर भी घटित हो जाता है। इससे आपका लक्ष्य पाने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि ये बार बार देखने से आप जो भी आपके विजन बोर्ड में चीजें हैं वो आपको प्राप्त होंगी, इसमें डेफिनेट होंगी, नो डाउट। समय सीमा निर्धारित करिए, डेडलाइन। आपका एक काम अगर 23 को रह जाता है किसी कारणवश, तो आप 24 तारीख की डेडलाइन कर दीजिए। आपका अगर 12 को कोई काम रह जाता है, 8 PM, अगर किसी समय आप नहीं जुड़ पाए, तो कोशिश करें कि नेक्स्ट डे आप सबसे पहले जुड़ने का प्रयास करें। आप जूम पे जुड़े, आप यूट्यूब पे ना जाएं, आप अपनी फोटो को जो है वीडियो को ऑन रखें, और साथ में आपके पास डायरी और पेन हो, ये डायरी और पेन लेकर लेकर के बैठे, कोई एक लाइन आपको बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। मैंने पहली बार में एक चीज नोट की थी, कंटिन्यू टू वर्क, लगातार प्रयास, जैसे रसरी आवत जावत सिल्पर परत निशान। तो अपने लक्ष्य और कार्यों के लिए यथार्थवाद और समय सीमा निर्धारण। अभी पीछे बताया था कि समय सीमा का मतलब ये है कि आपको कार इस डेट को, 20 सितंबर को मेरे को कार लेनी ही लेनी है, मेरे को मकान का अगले सितंबर में चालू करना है काम। तो जो भी आप डेडलाइन रखें, वो डेडलाइन ही आपका बड़ा काम है। समय सीमा तत्काल की भावनाओं को पैदा करती है और अपने ट्रैक पर बने रहने में मदद करती है। आपको किसी जगह लखनऊ पहुंचना है या दिल्ली पहुंचना है, आपको टाइम देख के 5 बजे पहुंचना है या सुबह शाम को 7 बजे, तो वो एक ट्रैक आपको ये बताएगा कि आपको इतने बजे निकलना चाहिए। और अब तो हमारे पास ऑप्शन है, गूगल पे हम देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम भी हमें पता चल जाता है कि हमें कितने बजे निकलना है। तो इसी तरह बिजनेस में आपने धीरे धीरे डायमंड क्लब की संख्या कितनी बढ़ा पाते हैं, कितना आप तेजस में रजिस्ट्रेशन करवा पाते हैं, वो सारी चीजों को आप समय रहते ही चेक करें, और समय के साथ ही उनका सबका ऐसा क्यों करना चाहते हैं।
आप आपका पैशन है, आपकी स्किल लवाई, ये सारी चीजें आपको निर्धारित करनी है। उन कारणों को पहचाने जिसके कारण लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप कार लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं? आप मकान बनाना चाहते हैं, सोचिए। अगर आप बिना मकान के किराए के मकान में हैं और आपका मकान होगा तो कैसा फीलिंग होगा? आपके पास अभी छोटी कार है, बड़ी कार और आ जाएगी तो आपको कैसा फीलिंग होगा? आज आपकी इनकम 1 लाख है और इसको 10 लाख पे ले जाना चाहते हैं, तो आप क्यों करना चाहते हैं? 10 लाख के लिए करना चाहते हैं 1 लाख से? आपके पास आज बाइक है तो आप बड़ी कार में जाना चाहते हैं? आप विदेश घूमना चाहते हैं? मतलब किस लिए? ये क्यों आपका वाई जो है क्लियर होना चाहिए। आप अपने परिवार को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, बेहतर तरीके से आप क्यों जानना चाहते हैं? सारों को मजबूत प्रेरक आधार प्रदान करता है, मतलब बहुत मजबूत इरादा। आपको लगता है कि मेरे बच्चों के पास ये चीजें हो, मेरे रहते हुए हो, मकान हो, गाड़ियां हो, बैंक बैलेंस हो, तो ये सारा कब पॉसिबल है? जब आपके माइंड में क्यों करने की आएगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यू कैन डू। अपनी प्रगति को ट्रैक करें, सक्सेस को। जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, सितंबर 2025 में आप कहां पे हो? क्या वो बेहतर है? क्या वो आपका जो ट्रैक है वो आपको 1 लाख रुपए पर मंथ के रूप पे ले जाएगा? आप किस दिन पहुंच जाएंगे अगर इस स्पीड से आप चलते हैं? हमें पता होता है 100 किलोमीटर जाना है, अगर गाड़ी की स्पीड 50 है तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। गाड़ी की स्पीड अगर 20 किलोमीटर है किसी व्हीकल की स्पीड, तो 5 घंटे लगेंगे। तो आपकी स्पीड जो है वो आप ट्रैक जरूर करिए, कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड को चेक करें, उस रिकॉर्ड को जनरल लिखे ट्रैकिंग सिस्टम से आप उपयोग करें, कि किस तरीके से आज जो मैं काम कर रहा हूँ, आज मैं सफायर के लेवल पे हूँ, अगर मैं डायमंड जाना चाहता हूँ तो मैं डायमंड कब तक पहुंच जाऊंगा, और डायमंड जाने पर मेरी इनकम कितनी होगी? 25 लाख रुपए पर मंथ। और इस इनकम के लिए क्या मैं जिस स्पीड से बढ़ रहा हूँ, क्या मैं सही समय पे पहुंच जाऊंगा? तो अगर नहीं, तो फिर आपने को अपने ट्रैक को, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। आप कितना अचीव कर लिया है और कितना, और जितना आप अचीवमेंट को चेक करते हैं, अपनी ट्रैक करते हैं, तो आपको उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। लॉन्ग टर्म में आपके पास क्या क्या गोल होंगे? आप अभी बता था 5 ईयर प्लानिंग या विजन आपका क्या है। इसमें इसमें हम स्टार्टिंग में आए, कोई विजन इसके प्रति नहीं था, कोई इन चीजों के बारे में नहीं सोचा था कि हमें इतनी चीजें प्राप्त होंगी, इतनी गाड़ियां होंगी, इतने मकान होंगे, इतनी इनकम आएगी। उस समय पता ही नहीं था सोचने का, रियल में मतलब कहता हूँ। केवल मात्र आ गए, केवल मित्रता के कारण, केवल बस चलो कर लेते हैं। लेकिन आज दिखाई देता है कि स्टार डायमंड, डायमंड इसमें जो भी पीने बनी है वो सब हमारे लिए बनी, ये दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं दिखाई देख पा रहा हूँ कि जितने भी कोर लीडर्स हैं सबने जज्बे के साथ, जिस जिसने जज्बा रखा है, अगर आपका जज्बा है, दीर्घकालीन विजन है, तो आप इसके लायक हैं कि आप एक दिन कोर में होंगे। कोर में होने का मतलब ये है कि कम से कम स्टार रूबी, कम से कम 3 से 4 लाख रुपए महीने की आमदनी जो है, अपने कैरियर और इसके प्रति अपना दृष्टिकोण के साथ साथ, जो छोटे छोटे अल्पकालिक लक्ष्यों को संरेखित करके हम बड़े लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, और तत्कालीन उद्देश्यों और अंतिम आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करें। जो मैं आज अगर 5 लाख 7 लाख जो भी आता है उसके साथ साथ अगर मैं 25 लाख जाता हूँ, तो मेरा एक बैलेंस मैं किस तरीके से बनाऊँ? एक आदमी आज रॉयल्टी पे है, आज वो 30 40 50 हजार की इनकम लेता है, तो 1 लाख की कब हो, कैसे निर्धारित हो उसका स्पष्ट विजन, और 5 साल के बाद उसके पास कौन कौन सी चीजें होंगी, उसके पास कार कौन सी होंगी, उसकी गाड़ी कौन, उसके पास घर कौन सा होगा, उसका बैंक बैलेंस कौन सा होगा, इन सारी चीजों को आप बिल्कुल दिखाई देगा आपको, और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, पॉजिटिव, ये सबसे जरूरी है। फर्क इसी बात का है, जो आदमी आज अगर इस मीटिंग में बैठे हैं, आज अगर उन्होंने कोई अचीवमेंट ली है, उसके पीछे अगर कोई एक अंतर है, और जो नहीं आ पाया उसमें और आप में एक ही अंतर है कि आप सकारात्मक पुष्टि है, पॉजिटिव अफर्मेशन है, और नेगेटिव का जो अफर्मेशन वाले वो बाहर है। नेगेटिविटी आपको कभी भी वो काम नहीं करने देगी। बस सबसे बड़ा काम है कि सकारात्मक, मेरे लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं काफी हूँ, ये सारी जितनी भी पॉजिटिविटी है, इन सारी चीजों को लेके अगर आप पॉजिटिव हैं, आपको लगता है कि कोई काम मानसिक सुदृष्टिकोण के लिए अपने लक्ष्य से संबंधित सकारात्मक का उपयोग करें, आपके कोई भी नेगेटिविटी पास फिटने नहीं चाहिए। बहुत सारी बीमारियां किनको होती है? नेगेटिव। बहुत सारी दिक्कतें किसको आती है? नेगेटिव। तो आप क्या बनना चाहेंगे, सकारात्मक या नकारात्मक? तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप आज भी कोई आपके अंदर नकारात्मक बात आती है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसी कोई बात आती है, तो इस बात को निकाल के फेंक दीजिए आज, और बात सोचिए, जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हमेशा पॉजिटिव आप रखिए, और अपने लक्ष्य की संभावना उपलब्धियों के बारे में आप जो है आज हमेशा आगे की तरफ बढ़ने की सोचिए, हमेशा सकारात्मक रहिए। किसी भी तरीके से कोई आपका बिल्कुल आपकी
जो आपने अभी तक गोल सेटिंग के ऊपर पूरी ध्यान से इतनी तन्मयता के साथ इतना अच्छा जो है ये बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ। बहुत सारे फोटोज मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैंने जिस तरीके से स्टार्टिंग की मेरे बारे में बताया तो वो खुद बता चुकी थी, लेकिन मैं बाद में फिर बता दूं कि मेरा नाम बलवान दीक्षित है और चीन हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। एज ए साइंस मास्टर रहते हुए मैंने अपने इस नए भारत के निर्माण कार्य में सहयोग देना शुरू किया और आज आप लोगों के सहयोग से मैं सीनियर कोर लीडर हूँ। और आपने इतने ध्यान से सुना और आप 8 PM JRCM श्री हुए, इसके लिए आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मदर डे पे पुनः आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सही में आपने गोल सेट के एक एक बार का इसे जो पॉइंट्स लिखे हैं वो भी हमने नोट करके रखे हैं, और जिन्होंने भी नोट नहीं किए हैं वो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए और वो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। आप एक एक नोट करें तो आपको पता चलेगा हमें सक्सेस की सीढ़ी पे हम कैसे चल सकते हैं। इसके बारे में सर ने बखूबी बारीकाई से पूरे डिटेल्स हमें जानकारी दी है। और इसी बीच में सर सबके व्यूज ले लें। दोस्तों हाँ, जल्द व्यूज के लिए आप जल्दी जल्दी हैंड रेज कीजिए।